नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार हमारी जांच पड़ताल जारी है और आज लोगों से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों का मूड क्या है, जनता में रुझान क्या है। आखिरकार जिस तरह से अब मोदी सरकार चुनावों को देखते हुए मूड में आ गई है, चुनावी मूड में जो है सरकार आ गई है, तो लोगों को लग रहा है कि क्या 2019 में मोदी सरकार वापसी आ सकती है या नहीं, या इस बार राहुल गांधी कोई कमाल दिखा सकते हैं। तो लोगों से बात करें, क्या लग रहा है इस बार जी आपको? देखो जी, मोदी सरकार आएगी कि नहीं आएगी? मोदी सरकार तो आएगी नहीं जी। क्यों नहीं आएगी? उन्होंने कर्म ऐसे करे हैं जी। क्या कर्म कर दिए? एक से एक बढ़िया कर्म कराया जी। जीएसटी लगाई, नोट बदली कर दिए। अब अपनी वोट लेने के लिए अब 10% वो आरक्षण दे रहे हैं। कोई तुक थोड़ी बनता इसका। पहले से कहां गए थे भाई? अच्छा। राम मंदिर कहां गया? जो ये कह रहे थे भिड़ते, इन्होंने कहा था भाई राम मंदिर बनवाएंगे हम जीतते ही। 4-5 साल हो गए, कहां है राम मंदिर? तो आम जनता को फर्क पड़ता है क्या? पूरा फर्क पड़ता है जी। क्यों नहीं पड़ता है? सारा ही फर्क पड़ता है जी। इतनी फैक्ट्रियां सील करा दी, दुनिया भर के गरीब के बंदे जो गरीब नौकरी करते थे उसमें उनके परिवार कहां जाएगा? उनसे पूछने वाला हो कोई? जो करोड़ों आदमी बर्बाद कर दिए ना जी, उनके परिवार कहां जाएंगे? वो उनको रोटी कहाँ से आएगी? चोरी चकारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपकी क्या राय है जी? देखो जी, ऐसा है, चेहरा तो मोदी है, क्योंकि कोई चेहरा है नहीं ना बीजेपी में भी, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस में भी कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी अभी नौसिखिया है, उसको भी कोई राजनीति का इतना ज्ञान नहीं। ये बात ये कह रहे राहुल गांधी नौसिखिया है जी, ये जो बंद करना चाहिए इनका हिसाब किताब। क्या बंद करना चाहिए? ये नहीं आ सकता जी। कौन नहीं आ सकता? मोदी नहीं आएगा। अब आप बताइए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है? कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काम करती है। ये काम कहाँ करे? कहीं देख रहे नजोगढ़ में बाथरूम नहीं है। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे कि राहुल गांधी जो है नौसिखी है। चांस बोले कांग्रेस आनी चाहिए। ये कह रहे की मोदी जो जी के सामने राहुल गांधी नौसिखी है। सीटें तो उतनी नहीं आएंगी, मगर ये है सीटें राहुल गांधी क्योंकि वो अब जरा उसको समझ गई है कांग्रेस। अच्छा, ये अब ठीक ठाक काम करना है उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे ना मोदी जी के सामने राहुल गांधी टिकते नहीं है। क्या है, पीछे 7 साल टिकी रही कांग्रेस? अच्छा, जब कहा जा रही थी कांग्रेस बीजेपी, जब कहा जा रही थी बीजेपी? लेकिन अब तो मोदी जी है ना। मोदी जी हैं, हम मना नहीं करें, लेकिन मोदी जी भी अब के नू किस्ती जरा हिलमिल जुल हो रही है। अच्छा, हाँ, मोदी जी किस्ती हिलमिल डुलमुल हो रही है, आप बताइए सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं? मतलब आम जनता खुश नहीं है क्या मोदी जी से? कोई खुश नहीं है आम जनता। बड़ा कारोबार खराब हो गया मोदी जी के नोट बंद होने से। अच्छा, नोटबंदी से फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या रोजगार ही खत्म हो गए? अर्थव्यवस्था तो बड़ी है। अरे अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, रोजगार क्या है? रोजगार बढ़े, सब कुछ बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है बताइए? सब कुछ नोटबंदी में सबके अच्छे अच्छे नोट निकल गए बाहर, वो कहाँ लगे? सारे उसमें काम में लगे, बैंक में लगे, क्या पैसे वालों का है? पैसे वालों का मोदी, पैसे वालों की सरकार है मोदी। कैसे सरकार है? सारे बैंक में हमारे खाते हैं, सबके खाते हैं। बताओ किस कंपनी को फायदा मिला है? 50 आदमी काम कर रहे थे, 20 आदमी निकाल दिए। वो फैक्ट्री बंद होगी, नौकरियां चली गई है, कह रहे हैं नौकरियां चली गई है। आएंगी भी तो सही, आएंगी सरकार चली जाएगी। तो 5 साल तो देखो देश को संभालने में लगते हैं, 5 साल आएंगे खाली होंगे। हाँ जी, आप बताइए। मोदी सरकार आएगी जी, मोदी सरकार आएगी। जब आगे सीटें नहीं मिलेगी, क्या वजह बताइए? वजह क्या है? वो काम अच्छे बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी, काम बढ़िया कर रखे हैं, बहुत बढ़िया कर रखे हैं। आप बताइए बाबा, आपको क्या लगा? भैया जी, मैं हेलमेट का काम करता हूँ, लेकिन मोदी डेफिनेट आएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं। मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। वजह क्या है? वजह क्या, काम ही अच्छा कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये बात को ध्यान रखें। क्या मशीनों में सेटिंग कर रखी है? मोदी आएगा ये बताइए, क्या काम किया उन्होंने ये बताओ, ये काम किया है? ना जी, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या बात हुई जी? बैंक में नोटबंदी करी, बैंक वाले बनवा दिए, ये देखो पीछे से बोरे भर भर के जा रहे हैं, हम गरीब लाइन में लग के ना धक्के खा रहे हैं। तो जो है गरीब छोड़ों को भी आरक्षण दे रहे हैं। बुजुर्गों का कोई काम नहीं, यंग को बैठाना चाहिए अब सीट पे। राहुल गांधी आएगा, 100% आएगा।
नहीं अब तो जो है सवर्णों को भी आरक्षण दे रही है, एक बार उसको भी मौका देना चाहिए राहुल गांधी को भी। अच्छा हाँ जी, यंग को आना चाहिए। यंग आरक्षण पर क्या राय है आपकी? आरक्षण जो दिया उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? ना जी अभी आरक्षण कोई कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं पता। अच्छा पेपर कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, उसमें भी कुछ नहीं है पता आरक्षण का। आपकी राय क्या है 2019 को? अभी कोई पता नहीं है, मोदी का कोई पक्का नहीं है। मोदी का कोई ऐसा कोई पक्का नहीं है? मोदी का पक्का नहीं है? पक्का नहीं है। वजह क्या है? वजह एक नोटबंदी करी, इतनी पब्लिक आती है, लाखों आदमी आता है भर्ती के लिए, सीआरपी में कोई भी भर्ती नहीं हो रहा, 10-50 आदमी की भर्ती है। नहीं तो कह रहे हैं 5 साल तो देश को संभलने में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगले 5 साल आएंगे तो नौकरी देंगे, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आप बताइए आपका क्या मानना है? क्या मानना है आपके भाई? कांग्रेस पार्टी आनी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब हक्की होती है, बीजेपी ने गरीब को मारा, हमेशा रोड बनाया गरीब को, सबकी पब्लिक की राय कांग्रेस पार्टी आई है। मोदी ने तेरा क्या छीन लिया? नोट कितने का? जो तेरा नोटबंदी में रह रहा है जेल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हमेशा जाते बाहर रहते हैं, टूर में बाहर रहते हैं, कम देखते हैं। नेता लोग उन्होंने अपनी जेब भरी है, गरीब आदमी बेरोजगार आदमी लाखों आदमी घूम रहा है। आप बताइए किसकी सरकार बन रही? मैं तो छोटा हूँ, ये मेरे से बड़ा ही नहीं, इसे सलाह तो वोट तो आप भी डालते हैं ना? मैं नहीं डालता, वोट नहीं डालते हैं, नहीं डालते वोट है। वैसे है तो हिसाब कांग्रेस का ही, वैसे कांग्रेस का ही लोग बीजेपी कह रहे थे। अरे बीजेपी तो यो कह रही है, मैं तो ना कह रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कांग्रेस का। क्यों हिसाब किताब कांग्रेस नजर आ रही है? बिल्कुल सही जुगाड़ है। मोदी जो है ना सबने काम खराब करा है, इसने पैसे का, इसने रुपए का, धेले का, इसने गरीब आदमी को तंग कर दिया, फुटपाथ पर लगा बिठा दिए। बस भाई सच में गरीब आदमी साथ नहीं है क्या? बताइए भाई साथ तो ऐसी बात नहीं, लेकिन काम तो कोई अच्छा गया गरीब आदमी ने, कुछ काम अच्छा काम का गरीब आदमी ने, बीजेपी को कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना, घर घर जाकर देखना चाहिए ना। और करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे ना फिर वो। अच्छा हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन आपके भाई क्यों नाराज? भाई भाई साहब ये तो यहाँ रहते हैं, मैं नए बाजार में रहता हूँ, मेरा पहले प्रॉपर यही मकान था। तो आपका काम बढ़िया चल रहा है, इनका खराब? भाई मैं तो मजदूरी मैं भी कर रहा हूँ, मजदूरी मजदूरी कर रहे हैं ना मजदूर, तो ये खुश है आप नाराज हो, ये क्या वजह है? हमने देखा ना भाई, 900 रुपए का आ रहा, बताओ गरीब आदमी कहां लेगा? बताओ 900 रुपए का आ रहा, सिलेंडर महंगा हो गया। हां जी 900 रुपए का आ रहा मिल रही है, उससे सब्सिडी क्या मिल रही है? बहुत कम मिलती है, किसी को मिल किसी नहीं मिलती। अच्छा किसी को मिल किसी को नहीं मिल रही है? 900 रुपए आ रही है, हमारी नहीं आ रही, सब्सिडी आ रही है। हमने अपना आधार कार्ड दे रखा वहां पे। चलिए ये थी लोगों की राय, लोगों ने अपनी बेबाक राय दी 2019 को लेकर के। आपकी क्या राय है 2019 को लेकर के? 2019 में किसकी सरकार बन रही है? लोकसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी जीत करके सामने आएगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से अवगत जरूर कराएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।